Last weekend, two historic and emotional meetings between the Ahmadi Muslims of Kababir and their spiritual master, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, took place. Saturday's virtual mulakat marked the first occasion on which any Khalifa of the Ahmadi Muslim community has presided over a Jamaat meeting in Kababir. The formal proceedings began with recitation of the Holy Quran. फॉलोइंग मैं अपने तरफ से और सारे अर्द फ़लस्ती अहबाबी आपादी जमात अहमदिया के की तरफ से हजूर अनोर का दिली शक्रिया अदा करता हूँ क्या आप हम अहमदिया ने जमात कब को आज और कल शर्फ़ मुलाकात अदा कर रहे हैं और आइंदा हफ्ता वेस्ट बैंक के अहमदी अहबाब ख़वात को भी मुलाकात से नवाजेंगी इन हम अल्लाह त का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें पहले दफ़ा ये तारीखी दिन दिखाया कि जिसमें हम सब अपने मुल्क में बैठकर कर खलीफ वक्त से बराह रास्त मुलाकात की शहादत पा रहा हैं हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं और नहायत तदर्रों से उसके हजूर दुआ गो हैं गो हैं कि ये मुलाकात दियारे मुकदसा में खैर बरकत के दरवाज़े खोलने का मूजब हो और इस बात की अरहास हो कि हदूर अनवर हमारे प्यारे मुल्क फ़लस्तीन बनफ से नफीस तशरीफ लाकर हमें मुलाकात का शरफ़ बख्शें जो अम्बिया और मुरसलीन की सरजमी है मेरे दिली दुआ है कि अल्लाह जल्द वो वक्त लाए जब हदूर पर नूर के बाबरकत कदम मुकद्दसा पर पर है ताकि आपकी मुबारक आमद की बरक, बरकत से इस ज़मीन की कुदसियत और बरकत

हाइफा मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है जिसकी आबादी दो लाख अस्सी हज़ार है कबाबिर की आबादी एक हज़ार पाँच सौ है मस्जिद महमूद के गिरदोनवाह में ज़्यादातर अहमदी रहते हैं कबाबिर के अलावा मगरबी किनारा वेस्ट बैंक में भी जमात कायम है शहर तोलकरम में हमारा मिशन दारुल अमन कायम है प्यारे हुजूर हमारी नई तमीर शुदा इमारत मसरूर सेंटर है जो खिलाफत जुबली का अहम प्रोजेक्ट है और इसे जमात अहमदिया कबाबिर ने खिलाफत की अजीम नामत पर प्यारे हजूर सैदकूमुल्ल् के नाम अल्लाह के हुजूर बतौर शुक्राना पेश किया है मसरूर सेंटर में एम टी ए का स्टूडियो है जहाँ एम टी अरबिया के बहुत से प्रोग्राम तैयार होते हैं

आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं कितने हैं आप में से जिन्होंने इस्लाम की तालीम को अपनाया है कितने हैं आप में से जो, जो रहमान बन गए हैं हकीकी रंग में कितने हैं आप में से जिनके इबादतों के मैार आला हैं जो फ़्राइज़ के साथ नवाफल की अदायगी भी करने वाले हैं कितने हैं आप में से जो वसीमत असलाम के पैगाम को आगे अपने ख़ानदान में अपने कबीले में अपने लोगों में फैलाने की ना सिर्फ ख़्वाहिश रखते हैं बल्कि इसकी इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं कितने आप में से जिनके बुनियादी अखलाक पहले से बहुत से बढ़कर बेहतर हो चुके हैं कितने आप में से जिनके घर घरों में एक अमन और सुलह और मोहब्बत और प्यार की फ़ा कायम है कितने आप में से जिन्होंने अपने बच्चों को अहमदियत या हकीकी इस्लाम की तालीम के बारे में आगाह किया है कितने हैं आप में से जिन्होंने इस बात पर नज़र रखी है कि आपके बच्चे इस्लाम की हकीक़ी तालीम के मुताबिक प्रवान चढ़ें कितने हैं आप में से जिन्होंने इंतज़ाम किया कि आपके बच्चों के लिए इस्लाम की हकीकी तालीम को हासिल करने का इंतज़ाम किया जाए कितने हैं आप में से जिन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल में ये असर क़ायम किया कि ये वो मुसलमान हैं जो हकीकी इस्लाम का नमूना है बस ये बातें हैं और बहुत सारी बातें अगर ये आपने कर रहे हैं और कर ली हैं और इन बातों को हासिल करते हुए आप सौ साल में दाखिल हो रहे हैं तो फिर आप समझें कि आपने अपने सौ साल जोबली बड़ी आला रंग में उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये नहीं तो फिर इन सात सालों में कोशिश करें कि इन बातों को हासिल करें और इसके अलावा भी जो इस्लामी तलीमत हैं उनको हासिल करें और साथ ये भी कितने आप में से जो खिलाफत से हकीकी ताल्लुक़ रखने वाले हैं और अपने अहद जो हैं उनको पूरा करने वाले हैं बस ये बातें जवाब कर लेंगे और अगर नहीं की तो उसके लिए कोशिश कर लेंगे तो समझें कि आपने अपनी सौ साल जो अपनी हकीकी रंग में मनाई है और आप इन सात सालों में हकीकी रंग में इसको हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं Another questioner asked, how can Palestinians living in Israel fulfill their duties to their people एक मुसलमान के लिए यही हुक्म है कि जिस जगह वो रह रहा रह है वहाँ के मुल्की कानून की पाबंदी करे और अगर हुकूमत कर रही है तो उस जुल्म की जगह को छोड़ दे हिजरत कर जाए लेकिन यहाँ रहते हुए भी अगर आपकी आवाज पहुंच सकती है अरबा हलोक तक हकूमती नुमाइंदों तक तो आवाज़ पहुँचाएँ और उनको बताएँ कि जुल्म कभी नहीं पनपता और यही हमारा काम है हर जगह हर हुकूमत को हर ालम को ये एहसास दिलाना कि म कभी नहीं पनपा करता और हम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं और इसके लिए फिर बज दफ़ा सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं अब पाकिस्तान में एक कानून है मुसलमान अहमदियों को ग़ैर मुस्लिम करार दिया गया है वहाँ के कानून का जहाँ तक सवाल है कि हम आहमदी अपने आप को गैर माने कोई अहमदी इस बात को मानने को तैयार नहीं कानून ये कहता है कि तुम लाला नहीं कह सकते लाला मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकते कोई अहमदी इसको मानने को तैयार नहीं कानून ये कहता है कि तुम नमाजें नहीं पढ़ सकते पाँच नमाजें नहीं पढ़ सकते कि बिला रुख हो के कोई आहदी इसको मानने को तैयार नहीं और इस तरह बहुत सारे इस्लामी अकाम है हैं लेकिन जो मुल्क के दूसरे कवानीन हैं उनको पूरी पाबंदी करके आमदी में रहते हैं एक तो ये चीज़ है कि अगर हम ऐसे सख्त हालात हैं हिजरत कर सकें तो इस्लाम में ये हुकूमत है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने के बजाय हिजरत कर जो है ालकूमत से और यही नमूना और यही उसवा हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है या अगर वहाँ रहना है तो फिर उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के अपना मुद्दा बयान करो बाकी एक आहमदी का ये काम नहीं कि तोड़ फोड़ करें और ऐसी बातें करें जिससे मुल्क और कौम को नुकसान होता हो ऐसी हरकतें करे जिससे उन लोगों का को तो कोई नुकसान ना हो जो, जो जुल्म करने वाले हैं बल्कि अवामस का नुकसान हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ हमें बहरल करना चाहिए और उस हमेशा ये देखना चाहिए कि हमने हक़ के आवाज़ उठानी है हर जगह और हक़ की आवाज़ के लिए बज जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं वैसे जब फलसतीन का क़्याम या इसराइल का क़्याम हो रहा था उस वक्त चौहि जफरल्ला खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर की थी उन्होंने यही कहा था कि यहाँ अमन कायम नहीं रह सकता जब तक के तो इन दोनों कौमों को बराबरी के हकूक़ नहीं मिल जाते और फलस्तनीों को भी और इसराइली अगर रहना है तो फिर दो आज़ाद मुल्कों की हसीियत से रहें कहने को तो आप फ़लस्ती से आए हैं फ़लस्तीन में एक अलहद हुकूमत है लेकिन वो भी आज़ाद हुकूमत तो नहीं है उसको कोई दुनिया की हुकूमत तस्लीम करने को तैयार नहीं है ना अवतदा उसको तैयार मानने को तैयार है इसलिए फ़लस्तीन में रहते हुए भी कम वेश दबाव के ज़ेर असर ही आप रह रहे हैं इसलिए ये कहना कि इसराइल में रह के आप कानून की पाबंदी किसना करें फ़लस्तीन में भी रह के भी आपको सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं बस तो उसके लिए यही है कि हकमत से अपनी आवाज़ उठाएँ और ऐसे लोग इकट्ठे हों जो इस आवाज़ को ऐसे फोरम तक लेके जाएँ बैलवाी फोरम तक जहाँ फिर ये एक आज़ाद फलस्तनी हुकूमत कायम हो ना ये कि दबाव में आई हुई एक फलस्तनी हुकूमत जिसके पास इख्तियारी कोई नहीं तो बहरहाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक बुनियादी ममिन का फ़र्ज़ है या फिर उस म वाली सरज़मीन से हिजरत कर जाना ये दूसरा हुक्म है बस ये दो बातें इसके अलावा मुल्क में बद पैदा करना फसाद पैदा करना या तोड़फोड़ करना ये चीज़ें एक हकीकी ममून को जेब नहीं देती हैं ना इसकी इजाज़त है तो इसके लिए बहर एक हमत और दुआ से काम करना पड़ेगा दुआ करें अल्लाह ताला से सही तल्लु पैदा करें अगर फ़लस्तनी हकीकी रंग में एक होकर दुआ करने वाले हों और अपने अखलाको अदहात और अपने ईमान को उस मैार पर पहुँच जाएँ जहाँ अल्लाह ताली सुनता है दुआएँ और मददगार होता है ममन का तो इन शाला बेहतर हो जाएंगे ठीक है वन मम्बर ऑफ़ दीथिंग दफ़ जरूसम अलसा मोस्क अकॉर्डिंग टू दहमदी मुस्लिम कम्यूनिटी अभी जो अमीर साहब शरीफ उदे साहब ने एड्रेस पेश किया उसमें इस सरजमीन को अम्ब्याह की सबका अम्ब्याह की सरजमीन और दियार मुकदस का नाम दिया हु? तो इस लिहाज से वो तो खुद ही जाहिर हो गया कि हम क्या समझते हैं अगर ये ना ये कहते इसकी अहमियत ना होती तो अमीर साहब को ये मैंशन करने की ज़रूरत कोई नहीं थी ये क्या ज़मीन है अब मुझे ये बताएं कि गैर आमदी जो हैं गैर आमदी मुसलमान वो क्या समझते हैं इस सरज़मीन को या मस्जिद अक्सा को वहाँ के आज वम वहाँ उतरे थे उनके मादी जिसम में मतलब वो उतरे थे और जो हम उसे हम उसे कशफ कहते हैं मादी जिसमें तो उतरे नहीं थे ये तो ऐसी गलत हाँ ये तो ऐसी गलत है ठीक है और हम क्या कहते हैं हम दी हम कहते हैं कि वो कि वहाँ कशफ था और वो हमारे पहली किबला थी हमारी पहली किबला थी तो उस चीज़ के लिए वो मुक़दस भी है ठीक है किबला था और किबला बदल गया बल्कि मदीना में हिजरत करने के कई महीने सोलह सत्रह महीने के बाद शायद किबला बदला हुँ? तो वो तो हो गया लेकिन इसकी मुसलिम ने काफ़ी सारी तशरी की हुई है जो जो दिल को लगती हैं हैं उनमें से बाज़ में जिक्र कर देता हूँ एक तो ये है ये कश्यप था ये जाहिर करने के लिए सिर्फ मक्तस के बारे में नहीं था बल्कि ये था कि आप हिजरत करेंगे मदीना जाएँगे और मदीना का मुकाम वो हो जाएगा जो जिसकी तरफ लोगों की नज़र होगी उससे बढ़ जाएगा ठीक है दूसरी बात यह कि बैतुलमकद्दस का जो इलाका है उस इलाके में इस्लाम फैले फैलेगा और मुसलमानों के कब्ज़े में आएगा और कई सदियों तक ये मुसलमानों के कब्ज़े में रहा उसके बाद मुसलमानों की अपनी कमज़ोरियाँ और नाहलियों और गलतियों की वजह से हाथ से निकल गया ठीक है तो हम ये कहते हैं जब के इसका एक मुकाम है वो मुक़ाम तो भरल है लेकिन एक ये भी तशरी इसकी है कि वो इस जो था एक तो वो जस्मानी इसराज नहीं था वो रूहानी था कशफ़ी था और एक रात में गए और वापस आ गए और बहुत सारी चीज़ें देखी और इसकी एक लंबी तशरी है ठीक है लेकिन वो उसकी वजह से मदीना को मुकाम मिल गया और अब देख लें बैतुलमकदस बावजूद इसके के एक एक वक्त में ऐसा था कि वो किबला था मुसलमानों के लिए भी लेकिन जब अल्लाह ने किबला बदला तहवील किबला हुआ तो फिर उसके कबाद क्या हुआ उसके बाद मदीना को उससे बढ़ के मुक़ाम मिल गया अब मदीना की तरफ जो रुख है वो इस बावजूद इसके कि यहाँ ब्याह की सरजमीन है मुकदस सरजमीन है इसके बावजूद जो मदीने का मुकाम है वो उसका नहीं है लेकिन ठीक है इसलिए ये, ये कहना कि पहला ये किबला था इसलिए इसका मुकाम बढ़ गया मुकाम तो इसका खुद ही कम हो गया मदीना से और ये सब मुसलमान मानते हैं पहले खान मक्का है फिर मदीना है फिर ठीक है इसका भी एक मुकदस जगह है और इस लिहाज से हम इसको तस्लीम करते हैं कि ये सही जगह है लेकिन जहाँ तक इसरा का सवाल है कि उस वजह से मुकदस हो गया कि हाँ असल उनका यहाँ इसरा हुआ था वो उसको हम नहीं मानते वो तो कश्मीर नज़ारा था और सारा सफ़र था जो हुआ और बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई तो हम ये मानते हैं कि बैतुलमकद्दस का एक मुकाम है अम्ब्या की एक मुकाम होने की असियत से लेकिन इसको हम मदीना से ऊपर तो बहर नहीं कहते मक्का और मदीना का अपना एक मुकाम है दूसरे यहाँ रहने वाले जो हैं उनका फ़र्ज़ है कि जो इनकी जगह है उसकी हिफाजत करें ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि गो इसका बेशक पहले ये किबला था लेकिन जब अल्लाह ताला ने कहा तबले का रुख बदलो तो किबले का ना सिर्फ रुख बदला गया बल्कि मदीने का मुकाम उससे ऊंचा हो गया जब मदीने का मुकाम खुद अल्लाह ताला ने ऊंचा कर दिया और अहमद रसल ने ऊंचा कर दिया तो फिर इसमें बाकी ये क्या है बात रहेगी इस पर बहस करने की ज़रूरत क्या है कि क्या समझते हैं या क्या समझते हैं तीसरे दर्जे की एक एक मुकदस जगह है ठीक है हम मानते हैं मुकदस जगह है अम्ब्या की जगह है मानते हैं अम्ब्या की जगह है और उसके और यहाँ मुसलमान आबाद थे और उन अल्लाह ताल ने पेशगोयाँ भी की हुई हैं कि मुसलमान होंगे और बाद में फिर अगर यहूदी अपना किरदार सही तरह नहीं करेंगे तो फिर मुसलमानों का कब्ज़ा होगा लेकिन वो जंगों और तोपों से नहीं होगा वो दुआओं से होगा और वो दुआएं ममिन की दुआएं होंगी इसलिए जितने मोमिन ज़्यादा पैदा होंगे और दुआएं करेंगे हकूकल और हकूक इबाद करने वाले होंगे उतनी जल्दी इस जगह पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा तो बहरहाल ये एक मुकाम है इस जगह का इस जगह के लिहाज से और मुसलमानों को फ़र्ज़ है कि इसकी हिफाजत करें लेकिन ये कहना कि इसरा का अगर के सवाल से अगर ये कह देना कि जी क्योंकि हाँ ज़ाती तौर पर यहाँ आए जस्मानी तौर पर आए वो गलत चीज़ है उसको दोबारा हम नहीं मानते ये तो जैसा कि मैंने पहले अभी कहा डिपेंड करता है आपकी दुआओं पर कितने पुरजोर आपकी दवाएँ होती हैं कितने अल्ल तक हजूर झुकते हैं कितना एक हक़ीकी मोमिन का किरदार अदा करने वाले आप बनते हैं जो हकूक की अदायगी करने वाला भी है और हकूक इबाद की अदायगी करने वाला भी है हकीकी इबादोर रहमान बनते हैं तो फिर ये बातें भी पूरी हो जाएंगी बाकी तो अदरवाइज़ तो ये सिर्फ़ जज्बाती बातें रह जाएंगी, जज्बात से कुछ नहीं होता इसके लिए अल्लाह कहा है कि तुम लोग भी कोशिश करो हिम्मत करो मुजाह करो or is it munaika dua or Tabligh. uske bad per ala tarabi raste or mazeej jo and ayn shalalat ala talaatul from ayye one question related to chapter 48 verse 28 of the holy quran which begins surely has allah in truth fulfilled for his messenger the vision you will certainly enter the sacred mosque The the questioner asks when these words would also be fulfilled for the promised Messiah, वीज Salam। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है लेकिन हजर वसीम ने यह फरमाया है कि जो अल्लाह ने मेरे सपुरद काम फरमाए हैं और जो मेरी पेश गोयाँ हैं और जो मुझे अल्लाह ताला ने इलामन बातें बताई हैं और जिनके बारे में मैं जमात को बता चुका हूँ वो इनशा तर पूरी होंगी ये कब पूरी होंगी उसमें अल्लाह ताला बेहतर जानता है ये भी जब आयत नाजिल हुई थी तो हजरत उमर का वाक्य मैंने ख़ुद में बयान किया है बाक़ी लोगों का बयान किया वहाँ भी हंसर फरमाया था कि मैंने ये कहा था रोया मेरी सादक है और हज हम करेंगे और खाना कहबा का तवाफ़ भी करेंगे लेकिन ये नहीं मैंने कहा था कि ज़रूर इसी साल करेंगे वहाँ मुन तो अगले साल की भी बात नहीं की थी आदर आसलम ने लेकिन हालात पैदा हुए ऐसे दुश्मनों की तरफ से ही कि आखिर वहाँ जल्दी एक फातेह की हसीियत मक़े में दाखिल हो गया और वो हालात पैदा हो गए तो जब अल्लाह ताला ने आलम को फरमाया था और आन सल वसल् ने उसको मुयन करके नहीं बताया था तो मैं आपको मुयन करके किस तरह बता सकता हूँ ठीक है तो बहरहाल लेकिन ये यकीन है कि इशाल ताली ये पेशगोयाँ पूरी होंगी क्योंकि अल्लाह ताली का कलाम है और अल्लाह ताली की बातें हैं और हमने देखा मसीमत तो इस्लाम की मतदद पेशगोयाँ पूरी हुईं आपके इलामात पूरे हुए आपने जो बातें फरमाई थी वो पूरी हुई अल्लाह की तरफ से मंसूब करके और इन शाह ये एक दिन वो भी आएगा जब उगमत मुसलमान हजरत मसीमत तो असलम के झंडे के नीचे

और हर मुल्क के कई शहरों में जमात की बुनियाद पड़ गई है जमात का तारुफ़ हो गया है और दुनिया के बड़े बड़े ईवानों में भी जमात का तारुफ हो गया है जमात को पहले से ज़्यादा जाना जाने लग गया है तो हमें उम्मीद है इनशा ताली आइंदा दस साल या अगले बीस पच्चीस साल जो हैं इन शाला तल जमाती तरक्की के बहुत अहम साल हैं और इसमें हम देखेंगे कि अक्सरियत इनशा तलात मुसीम्लाम के झंडे तो दिल्ली नीचे आ जाएगी और यह कम अज़ कम एक अक्सरीत ऐसी होगी जो इस बात की हकीकत तस्लीम करने वाली बन जाएगी कि इस अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है मुसलमानों में से भी इन अच्छा जी अमीर साहब अल्लामक वरम वरक The following day, a second mulakah took place in Kababir, this time with Lajna Imaila. Once again, a large portion of the meeting was devoted to questions and answers. The first question was, How can we be free from the surrounding dangers? <laughs> एक तो मखसूस हालात ख़तरात हैं जो घेरे हुए हैं इलाके को खालस ख़ास तौर पर मुसलमानों को उस इलाके में ख़तरा रहता है और उसमें ख़तः नज़र इसके कसूल किसका होता है कौन पहले शुरू करता है किसकी तरफ से क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए लेकिन बहरहाल ख़तरा है ने इस्लाम की तरफ से और जब हम मौका देते हैं उनको तो ख़तरा बढ़ जाते हैं इसलिए बड़ी हमत से इस इलाके में रहने की ज़रूरत है और अपने सही नमूने कल भी मैंने बताया था सही नमूने पेश करने की ज़रूरत है जो इस्लाम की हकीकी तालीम के नमूने हों और किसी को मौका ना दिया जाए कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात करे अमूमी ख़तरा सिर्फ यहाँ की बात नहीं है जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो दुनिया में हर जगह आजकल मौजूद है और वो ख़तरा है जाली ताकतों के गलत किस्म के कामों की तशहर जो मीडिया के जरिए से इंटरनेट के ज़रिए से मुख्तफ़राय से दुनिया में हर जगह हो रही है और उसकी वजह से एक दीनदार ख़ानदान पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची अपने दीन को भी भूल रहा है और दुनिया की और मादियत की तरफ़ ज़्यादा जो पैदा हो रही है इससे बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए इसके लिए अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और माओं को इसके लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए बचपन से ही माएँ अपने साथ बच्चों को अटैच करें उन्हें बताएं कि दीन क्या है और हमेशा एक अहमदी माँ का काम है कि अपने बच्चे के दिल में ये डाल दे दिमाग में डाल दे रासक कर दे उसको अच्छी तरह कि दीन को दुनिया पे तुमने मुकदम रखना है दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं या दुनिया की जो चका है उसको तुम्हें वो वो तुम्हें मुतासर करने वाली ना हो बल्कि हमेशा हर मौके पर दीन मुकदम हो और जब दीन मुकदम होगा और खुदा ताली की रजा मुकदम होगी और उस रजा को हासिल करने के लिए तुम कोशिश करोगे अपनी इबादतों को संवरोगे अपना अल्लाह तला से तल्लक पैदा करोगे अला अखलाक इख्तियार करोगे इस्लामी तलीम पर अमल करोगे तो अल्लाह ताली की रजा हासिल करने वाले बनोगे और जब अल्लाह ताली की रजा हासिल होती है तो दुनिया ख़ुद ब खुद मिल जाती है बस ये बचपन से इस बात की तरबियत की ज़रूरत है अगर ये तरबियत आप अपने लड़कों और लड़कियों और बच्चों और बच्चियों में कर दें तो अगली नस्लों को संभालने वाले बन जाएंगे और यही बड़ा चैलेंज है ये छोटे मोटे चैलेंज तो आके हालात के मुताबिक उठते हैं इनको आप चैलेंज ना समझें असल चैलेंज ये है कि दुनिया में जो बुराइयाँ फैल रही हैं उनसे हमने किस तरह मुकाबला करना है जब उनके मुकाबले के लिए तैयार हो जाएंगे तो अपने माहौल में जो हालात हैं उनको भी संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे ठीक है Lajna asks, What is for Arab अरब औरतें हों या गैर अरब औरतें हों हर अहमदी औरत जो है उसके लिए यही पैगाम है कि एक तो ये है कि अपने नमूने कायम करें जो आपके माहौल में आपको नुमाया करने वाले हों ये पता लगे कि ये अहमदी मुसलमान औरतें हैं जिनके अमल जिनके अखलाक जिनका उठना बैठना जिनकी बातचीत जिनका माशरे में रहन सहन और ताल्लक़ इस्लामी तालीम के मुताबिक है दूसरी सबसे बड़ी अहम बात जो है ये है कि आहमदी औरतों को अपने बच्चों की तरबियत पर जैसा कि पहले भी मैं कह चुका हूँ बच्चों की तरबियत की तरफ तोज् देनी चाहिए उनको दीन सिखाना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए माँ बाप की दुआएँ बच्चों के लिए बच्चों को लगती हैं इसलिए अपनी तरबियत के साथ साथ उनको दीन सिखाने के साथ साथ उनको दीन से अटैच करने के साथ साथ उनको खुदा की वादानियत के से के जोड़ने के साथ साथ उनको अला अखलाक इस्लामी तलम के मुताबिक सिखाने के साथ साथ उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा दीन के साथ जोड़े रखे और कभी वो अपने रास्ते से भटकने वाले ना हों मुस्तकीम पर चलने वाले हों हैं मुस्तकीम पर चलने वाले हों धर मुस्तकीम की दुआ उनके लिए करें कि हमेशा वो मुस्तकीम पर हों और कभी शैतान के कब्ज़े में जा ना जाएं कभी उनके दिल में दीन के बारे में कोई इनकवास पैदा ना हो कभी उनके दिल में माशरे के अमन को बर्बाद करने के बारे में कोई ख्याल पैदा ना हो बस ये तरबियत है जो एक अहमदी औरत को अपने बच्चों की करनी चाहिए और ये बहुत बड़ा फर्ज है अगर अहमदी औरतें इस फ़र्ज को अदा कर लें तो फिर आ हज़रतल के इस हदीस हदीस की भी मस्दाक बन जाएंगी कि जन्नत माँ के काम पाँव के नीचे है बस अगर जन्नत में खुद भी जाना है और अपने बच्चों को भी लेके जाना है तो फिर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि अपनी अगली नस्लों को संभालें और उनकी आला रंग में तरबीय करें ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द हिजाब एंड हाउ वुमेन शुड रिस्पॉन्ड ऑन बीइंग ट्रीटेड विद सस्पेशन बात यह है हिजाब पहनने को मायूब सिर्फ वहाँ तो नहीं समझा जाता यूरोप में भी समझा जाता है यूरोप में कई बार ममालिक हैं जहाँ कानून पास किए गए हैं कि हिजाब नहीं पहनना या बस पब्लिक जगहों पर हिजाब नहीं पहनना बल्कि जुर्माना और सजा है उसके बावजूद जो ईमान पे कायम औरतें और बच्चियाँ हैं नौजवान वो हिजाब पहनती हैं आपने ये फैसला करना है कि आया आपने खुदा ताला की बात माननी है और उसके लिए हर तकलीफ़ और हर इस और हर गलत किस्म के रिमांक को बर्दाशत करना है या इन चीज़ों से डर के लोगों की बातें माननी शुरू कर देनी है और माशरे की जो चाल है उसके पीछे चलना शुरू कर देना है तो ये फैसला तो आपने करना है एक मोमिन औरत को मज़बूत ईमान होना चाहिए जब यह ईमान है कि कुरान करीम की तलीम एक ऐसी तलीम है जो हमेशा के लिए है और हमेशा कायम रहने वाली है और जब ये ईमान है कि आखिरी शरी किताब है और इसके जो अहमाम हैं वो आखिरी और हमारी बेहतरी और बका के लिए हैं तो फिर इस बात पे कायम हो जाएँ कि कुरान करीम का हुक्म है कि औरत को हिजाब लेना चाहिए पर्दा करना चाहिए तो ये आपने देखना होगा ये फ़ैसला करना होगा कि आपने अपने ईमान की हिफाज़त करनी है और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जो कायम किया है उसको कायम रखना है और उसकी बात माननी है या मुआरे से डर के इन छोट छोटी छोटी बातों पर घबरा घबरा के और परेशान होके उस तालीम को अमल करना छोड़ना है तो ये तो आप पर डिपेंड करता है आप ख़ुद फ़ैसला करें क्या चीज़ चुननी है आपने और मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक ममत एक अहम नहीं मम लड़की बच्ची नौजवान और और औरत इस बात पर कायम रहेगी कि उसने जब मसीह मऊद और महदीमाउद को माना है तो उस तलीम पर अमल करना है जो कुरान करीम की तलीम है और जिस पर अमल करवाने के लिए अल्लाह जमाने में मसीह मऊद को भेजा था ठीक है non-Muslim friends to their celebrations or events where sometimes un-Islamic traditions took place. बात यह है कि सिर्फ आपका सिर्फ माहौल वहाँ कबाबीर में तो ऐसा नहीं है या इसराइल में तो ऐसा नहीं है दुनिया के अक्सर ममालिक में यही माहौल है ठीक है बल्कि मुसलमान मुल्कों में भी ख़ासतौर पर पाकिस्तान हिंदुस्तान जो बरे सीर है उसमें तो हिंदुओं की और गैरों की रस्में जो हैं इतनी राह पा गई हैं कि मुसलमानों के अंदर भी वो रस्में आ चुकी हैं गलत किस्म की और लेकिन जो अच्छे तल्लु वाले हैं गैर जमात वहमदियों को बुलाते हैं तो आप जाएँ अगर वहाँ जा के उनकी तकरीबात में जा के अपना एक वकार रख के बैठें अगर वहाँ डांस हो रहा है तो ठीक है उस तरह से नजर फेर लें अगर वहाँ कोई गलत प्रोग्राम हो रहा है तो उठ के दूसरे कोने में चले जाएँ लेकिन अमू तौर पर ये इस तरह नहीं होता इंतहाई कोई बेहूदगी वाला माहौल हो तो और बात है फिर वहाँ जाएँ और उसको जिस तकरीब में बुलाया गया है उस तकरीब में अगर वो शादी की तकरीब में तो उसको वहाँ बुलाने वाले के को या दूल्हा दुल्हन को तोहफा जो भी देना है अपने देह के वह आ जाएँ या खाना वगैरह खाया है तो उसके बाद उठ के आ जाएँ अपने आप को बचाया जा सकता है ऐसा कोई मसला नहीं है इतना सवाय इसके कि बिल्कुल ही बेहयाई वाला माहौल हो और जो बेहाई बेहयाई वाला माहौल है वहाँ पहले ही पता लग जाता है उसमें शामिल ना हो फिर आप लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा माहौल होता है कि जहाँ किसी न किसी तरह हालात के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है ये वहाँ एक दूसरे के तकरीबात में जाना चाहिए उससे ताल्लुक भी बेहतर होते हैं और आपस में तारुफ भी बढ़ता है आपस में ताल्लुक़ पैदा होता है और जिसकी वजह से फिर आपको तबलीग के भी खुलेंगे बिल्कुल ही अपने आप को अलहदा कर लेंगी तो उससे फिर जो तबलीग के रस्ते भी मस्तूद होते चले जाएंगे इसलिए माहौल देख के वहाँ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें अगर सवाई के बहुत ही गंदा माहौल हो जाए तो मादरत करके वहाँ से उठ के आ जाएं लेकिन अमूमी तौर पर इतने गंदे माहौल भी नहीं होते कुछ रस्म रवाज ही होते हैं उनसे उनको अवॉइड करके एक तरफ मुँह करके आप लोग बैठ सकते हैं ऐसी बात कोई नहीं है तो और अगर लड़कियाँ डांस कर रही हैं तो फिर अगर आपने देख भी लिया उनकी तरफ तो कोई हर्ज नहीं है मर्द औरतें अगर इकट्ठे कर रहे हैं तो वहाँ पे बेहूदगी हो जाती है गलत हरकत हो जाती हैं उसकी उसको उससे नज़र बचा लेनी चाहिए लेकिन अगर सिर्फ औरतें ही है, औरतें हैं उस माहौल में और वो डांस कर रही हैं तो आपने देख लिया तो कोई हर्ज नहीं हो गया ठीक है इतना भी रिजेट होने की ज़रूरत नहीं है और फिर उनको अपने लड़कियों से उस दौरान में अब अपनी सहेलियों से बातें भी कर सकती हैं आपने शामिल तो नहीं ना होना आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं कहेगा उठो शामिल हो जाओ अगर कहे तो फिर कह दो मैंने नहीं शामिल नहीं होना मेरा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता अच्छा है बल्कि इस हवाले से आपकी दीन की तब्लीग का भी रास्ता खुल जाएगा अगर आपको कोई कहे आओ सारे रस्ते रक्स कर रहे हैं तुम तो भी रक्स में शामिल हो जाओ तो कह दो नहीं मैं नहीं कर सकती मेरा दीन मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता फिर दीन पर बातें शुरू हो जाएंगी कोई ना कोई उसमें शरीफ आदमी होगा जो आपकी बात सुनने की तरफ तो जो करेगा और इस तरह फिर और मज़ीद रस्ते खोलेंगे तब के ठीक है लेकिन अपने आप को तो माशरे से रहता बिल्कुल नहीं करना हाँ जो बिल्कुल ही लगवियात वाला मुशरा है वहाँ से बचना चाहिए वहाँ से उठ के आ जाएँ ठीक है ये तो आपका ईमान पर डिपेंड करता है आपकी मजबूती और क़वत इरादी पर डिपेंड करता है कितना ही कि ज़्यादा कुवत इरादी है कि उस मुआरे में को अपने अकबर हावी ना करें अना दजना मेम आस्ट वट इज़ दमेंट्री ऑफ द क्रिक फर्स मैन आर गार्डियंस और वेमेन दस्तावीन शुड गिव सुपेरियो टू द ओपिनियन ऑफ मैन अव दर्न नहीं इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मर्दों की राय जो है उसकी कोई फजीलत है औरतें भी माशा बड़ी अकल की बातें करने वाली हैं और uh, औरतों के मशवरे से ही बाज़ अहमदरल वम के ज़माने में भी फैसले हुए मर्दों के जहाँ सुलह उदैबिया के वक्त जहाँ मर्दों की सारों की राय फेल हो गई थी उम्मे सलमा की राय थी जिस जिसपे ने अमल किया और उसकी वजह से फिर सहाबा जो पहले अपनी कुर्बानियाँ करने से इनकारी थे उन्होंने फौरी तौर पर कुर्बानियाँ कर दी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरतों की बड़ी तारीफ की है और राय को समझा भी है मसला मतलब एक एक मौके पर जब वहाँ एक मजलिस में यहाँ बैठे हुए थे एक, एक सहबियाँ आईं और उन्होंने कहा कि मर्द तो जहाद भी करते हैं और माली कुर्बानियाँ भी बढ़ चढ़ के करते हैं और फलां काम भी करते हैं फलाँ भी करते हैं इबादतें भी करते हैं हम भी इबादतें करती हैं लेकिन उनकी ये जिहाद और दूसरे ऐसे काम हैं जो बाहर करते हैं उसकी वजह से उनको शहादत का रोज़ा मिलता है या वो स्वाब उनको ज़्यादा मिल रहा है तो क्या हमें हम भी इसमें हिस्सादार हैं ने सबा को देख के फरमाया था क्या कोई है मर्द जो इस औरत से बेहतर या कोई भी शख्स जो इस औरत से बेहतर औरतों की इतना इस तरह वकालत कर सके इसका मतलब उसको उन्होंने बड़ा सराहा उसकी बात को तो ये कहना कि सिर्फ़ मर्द अखल की बात करता है इसलिए हर राय उसकी अच्छी है और उसको मानना चाहिए गलत है इसलिए इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि मर्द जो है वो बहसीत घर का सरबराह होने के ज़िम्मेदार है कि अपने घर के अखराज चलाए और अपने घर के माहौल को इस्लामी तलीम के मुताबिक रखे ये भी है इस्लाम में कि अगर औरत भी कमाई कर रही है तो मर्द ये ना मांगे उससे पैसे कि तुम खर्च चलाओ घर का या मेरे घर में मदद करो अगर औरत नहीं चाहती अपने घर का खर्च चलाना तो मर्द का फ़र्ज़ है कि चाहे वो औरत कमाई कर रही हो उसकी पास पैसा हो दौलत हो तब भी मर्द बसीियत कवाम होने के बेहसी घर का सरबराह होने के इस बात का पाबंद और ज़िम्मेदार है कि वो घर का खर्च चलाए और इसीलिए बहसीत कवाम होने के मर्द इस बात का भी जिम्मेदार है कि वह अपने घर की तरबियत को ऐसे माहौल में रखे कि जिससे उसका माहौल इस्लामी माहौल हो और बेहतर तरबियत हो सके फिर यह है कि झगड़े होते हैं बहुत सारे घरों में अगर झगड़े होते हैं तो मैं उन झगड़े करने वालों को भी बार दफा यही मिसाल दिया करता हूँ कि अरेजालो कवामगनासा का मतलब ये भी है कि जहाँ झगड़े होते हैं औरत और मर्द के मियाँ बीवी के मर्द क्योंकि कवाम है उसके असाब मजबूत ज़्यादा होते हैं औरतों की नस्बत इसलिए उसको चाहिए कि सब्र से काम ले और बिला वजह औरतों से झगड़े ना करे और जो छोटी मोटी बातें हैं उनको बर्दाश्त करे और मान जाए ताकि घर का माहौल पुरसकून रहे ये मतलब है कवाम का कि मर्द अपने मजबूत असाब की वजह से खामोश रहे घर का माहौल पुरसकून रखे ताकि बच्चों की तरवीज सही हो सके मर्द को है? हक अदा करने के लिए कवामाम बनाया है कि तुमने औरतों के और बच्चों के हक अदा करने हैं ये तुम्हारे कवाम होने की निशानी है ठीक है अब जय विशाख जाके अब घर में अपने खावन पर रोब डाल सकती हैं आप <laughs> <चाल्ला। laughs> अच्छा सदर साहिबा अब आपको मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है और अल्लाह हाफिज़ हो और मेरा ख़्याल है मुलाकात लजना के लिए जो भी आई हुई है अच्छी हो गई है अल्लाह ताला सबको जजादे अस्सलामुअलैकुम वरह वक्